अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भैया कैसे हो आप लोग। तो यार आ चुका हूँ मैं एक और तड़कते भड़कते शोल मेले से भरपूर, जिसमें शोल मेला कूट कूट के भरा हुआ है। तो यार काफ़ी टाइम हो गया था मैं अपने चैनल पे M416 या ऐसे क्लासिक वगैरह डाल रहा था, तो आज मैंने सोचा यार M24 डाला जाए। और यार M24 भी ऐसा वैसा नहीं, सही हैवी वाला ट्रिक शॉट्स ओनली, ठीक है। और जो मेरा M24 का चैलेंज है ना 1v1, ये उस बंदे के साथ हो रहा है जो कि भाई मिडल ईस्ट के टॉप 10 में रह चुके हैं। भाई इस सीज़न टॉप 10 में रह चुके हैं मिडल ईस्ट में। अभी भी उसकी 8 की KD है और एस डोमिनेटर पर वो बैठा हुआ है, तो मतलब काफ़ी हैवी प्लेयर है। अब इसे हिसाब लगा सकते हो काफ़ी हैवी प्लेयर। तो यार मेरा मतलब काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो यार मैंने इसे बोला कि सिंपल शॉट्स नहीं खेलने, सिर्फ ट्रिक शॉट्स खेलने हैं। मतलब बहुत कम ऐसे बीच में शॉट्स हैं जो सिंपल लगे हैं, बाकी सारे के सारे ना ट्रिक शॉट लगे हैं। यार मज़ा ही आ जाएगा उसके भाई, जब वो मैं उसे शॉट मारता था या जब वो मुझे शॉट मारता था ना भाई, उसका जो रिएक्शन होता था यार वो चेक करना लाजमी, वो मज़े कैसे ही। भाई रिएक्शन देख रहे हो लड़के का, क्या हैवी शॉट पड़ा यार, मज़ा ही आ गया। और वीडियो का स्टार्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक मार लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। 2K पूरे होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी पूरे करवा दो। यार ये ट्रिक शॉट लग नहीं सकी, लेकिन ये जो होने वाला है ना हेड शॉट, ये देखना। अच्छा तो यार मेरी काफ़ी वीडियोस के नीचे ना कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई आप कौन सी डिवाइस पे खेलते हो ऐसा वैसा। तो यार जिस डिवाइस पे मैं खेलता हूँ उसका नाम है MI 10T, और इसमें आते हैं 90 FPS, मतलब काफ़ी आला किस्म की डिवाइस है, मुझे कोई इश्यू नहीं होता। तो यार यहाँ पे छोटा सा स्कैम देखना। भाई ये किल देखना यार, सही एंड लेवल रामी किस्म का किल है, सही मज़ेदार वाला। भाई साहब उस हिसाब से भाई ये शॉट अभी कुछ भी नहीं है, भाई जो आगे आने वाले किले ना वो इससे भी ज़्यादा ओपी ओपी है। तो यार इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा हुआ तो जल्दी से लाइक मार लो, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अभी 2K होने वाले हैं और भाई फेस कैम इंट्रोज वाली फनी वीडियो, इतनी ओपी ओपी किस्म की फिट मज़ेदार वीडियो आने वाली है ना भाई, आपको देख के चस आ जानी है, सही चस होती है ना वो आ जानी है। खैर अभी मेरे यहाँ पे 7 किल हो चुके थे और 2 किल उसके थे, ठीक है 8 किल मेरे 2 किल उसके। तो अभी देखना भाई उसका हैवी वाला कमबैक होगा, ये मत समझा भाई ये नूबड़ा है ऐसा वैसा कुछ, भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अभी उसका कमबैक देखना सिर्फ, चस आ जानी है। अच्छा यार ये शॉट देखना उसकी, कसमें इतनी हैवी किस्म की शॉट मारी है ना, इस शॉट को देखने के बाद हैवी किस्म का फ़ैन हो गया हूँ। देखो भाई टाइमिंग चेक करो लड़के की, क्या मारा है भाई उछल के, मज़ा आ गया यार, अप्रिशिएट बनता है यार। जी वेल प्लेड, गुड गेम। अच्छा तो यार गाइस जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हो ना, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप टिकटॉक की तरफ से आए हो, स्नैक की तरफ से आए हो, या डायरेक्ट यूट्यूब की तरफ से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले यार जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मतलब उन्होंने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया है, टिकटॉक से, यूट्यूब से, या स्नैक से। नीचे यार कमेंट लाजमी करके बता देना। यार ये शॉट देखना भाई, प्रैंक हो गया मेरे साथ इस शॉट में देखना। खुशी देख रहे हो लड़के की, भाई ऐसे खुश हो रहा है जैसे किल करके पता नहीं इसको कौन सा बड़ा अवार्ड मिल गया हो। खैर यार यहाँ पे देखना इसकी यकियाँ, मतलब अभी मेरे छोटे भाई की तरह ना ये भी चलाकियाँ करना शुरू हो गया, बोलते आ जाती है स्टोरी सुनाऊं। यार मुझे लग रहा था ये टीम अप करेगा, मैं इसको किल करना नहीं चाह रहा था, लेकिन भाई इसने यकीन लगा दी। अब देखना यार मैं करता क्या हूँ उसके साथ। ना मैं एक लड़की के साथ पिज़्ज़ा खाने गया, सुन सुनाता हूँ फिर ना, फिर मैंने उसको नहीं सुना रहा, स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, मार ही नहीं रहा। जब मैं पिज़्ज़ा खाने गया ना, आगे से लौंडा निकला था, यार इतनी गंदी स्टोरी, यार कसम से ये गंदी स्टोरी सुनने के बाद मेरा दिल खराब हो गया भाई। वो शॉट मारना तो बनता ही था भाई, सही शॉट मारा मैंने, दिल दिल खुश हो गया भाई।
यहाँ पे ना ये स्टार्ट हो गया और पंजाबी में स्टोरी सुनाने लगे। अब मुझे पता था यार कि कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जिनको ना पंजाबी आनी नहीं है, तो उनको समझ नहीं लगेगी। मैंने टफ करके हेडशॉट मारा, मैंने कहा जा दफा हो और वापस आ और उर्दू में जाके उर्दू में आके स्टोरी सुना। तो अभी देखना एक आएगा ना, इसके साथ प्रैंक होने लगा। मुझे लगा यार ये बिल्टी में किल नहीं होगा, लेकिन भाई वो बिल्टी से निकल चुका था। यहाँ पे वो बेचारा चीख चीख के बोल रहा था कि भाई स्टोरी सुन ले, स्टोरी सुन ले। मैंने कहा चला यार सुन ही लेते हैं तेरी स्टोरी। उर्दू में सुनाता हूँ, मैं उर्दू में सुनाता हूँ, समझ लो। हमने ली थी खोती रेड़ी, तो मुझे किसी ने कहा कि खोती रेड़ी को चलाने का बड़ा आसान तरीका, खोती की वागे आपने पकड़ लेनी है और उसको थोड़ा सा दबकाना है आपने। तो मैंने खोती को दबकाया, जब मैंने खोती को दबकाया तो खोती त्रह गई, खोती बाजू होगी, तो खोती कदयों शाहरी कदयों तरपड़ कदयों। हम उड़ते हुए गए, हमें खाले में डिगे, दो बंदों ने डाल के हमें चुका, हमने ऐसे करके उसको मार दिया। यार इतनी गंदी स्टोरी सुनने के बाद ना मेरा इंसानियत से भरोसा उठ चुका है यार, मैं छुट्टी चाहता हूँ इस दुनिया से, सही बात बता रहा हूँ। तो देवियों और सज्जनों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि जो मैं किल दिखाने लगूं ना आपको, भाई हैवी किस्म का किल है, खतरनाक। वाह 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 भाई, क्या शेर बोला, क्या शेर बोला, ऐसे कॉन्फिडेंस से शेर बोल रहा ना जैसे फ्यूचर का मिर्जा गालिब यही है। ओ जाओ मामा छुट्टी कर, एर रोपी का कुछ लगता, चल शाबा। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, 2K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवाओ। फेस कैम इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो जाएगा और रेगुलर डेली वीडियोज़ आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।